आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, मतलब जिनको कभी भी मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। थोड़ी टिप्स देने वाला हूँ और मैं ढंग से मोटर ब्लॉगिंग सेटअप बताने वाला हूँ। यही है कुछ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप, और ये चीजें भाई तुम्हें पूरे यूट्यूब पे देखना, कोई कहीं नहीं बताया। जरा ब्रह्मास्त्र में तुम्हारे हाथ में देना कि तुम प्रोफेशनल मोटर ब्लॉगिंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ शशांक ठाकुर AK01 शशांक लाइफ। तो भाई फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी जिंदगी के एक और नए दिन में। और भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए भाई जिनको देखना है, मतलब जिनको कभी भी मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है या देखना है भाई नॉर्मली ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, तो उनके लिए आज थोड़ी टिप्स देने वाला हूँ। और जो मेन ये होने वाला है भाई जो अपकमिंग जो मोटर ब्लॉगर बनना चाहता है उनके लिए, क्योंकि अपना ढंग से मोटर ब्लॉगिंग सेटअप बताने वाला हूँ, साथ में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, कितने रुपए की आती है, एक्चुअल में बजट फ्रेंडली होता है या फिर नहीं। यहीं से एक आइडिया दूँ ना, मोटर ब्लॉगिंग सेटअप बजट फ्रेंडली हो ही नहीं सकता, भले तुमने टाइटल थंबनेल में थोड़ा बहुत देख लो बजट फ्रेंडली, साथ में क्वेश्चन मार्क भी था वो, इसीलिए कि ये क्वेश्चन ही है क्या हो सकता है बजट फ्रेंडली, तो वो चीज़ें तुम्हें पता चलेगी थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई कॉलेज के लिए, आज कॉलेज लेके जा रहे हैं हम लोग अपनी GT, तो थोड़ा सा मोटर ब्लॉग भी इंजॉय करेंगे साथ साथ। और ब्रेकफास्ट मैंने करा नहीं क्योंकि थोड़ा सा जल्दी मुड़ चुका हूँ, बट इतना टाइम नहीं कि मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊँ, इसलिए निकल रहे हैं फटाफट से कॉलेज के लिए, तो मैं मिलता हूँ सीधे रास्ते में। ऐसी क्या दिक्कत है, जाते हुए जाते हुए जाने नहीं दिखता बाहर। आ गया बाय बाय। चलो भाई चले, आज ये लेके जा रहे हैं हम ये अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप, तुम देख सकते हो, इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो भैया अभी पहुंच चुके हैं हम लोग करणपुर, और भाई जिस दिन हमें थोड़ा सा लेट हो जाता है ना उसी दिन एक्स्ट्रा जाम मिलता है, और आज तुम देख सकते हो आज हम लोग लेट नहीं है, हम लोग ऑन टाइम है। तो ये रोड खाली है भाई, ये रोड खाली है जहाँ पे भरा रहता है हर समय, सीरियसली मैन। मुझे लगा था थर्ड गियर पे मैं दो गियर डाउन कर दिए गलती से, बट हुआ है कि जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। तो भाई पहुंच चुके कॉलेज, तो मिलते हैं हम सीधा ब्रेक में। तो भाई कॉलेज में हो चुकी है हमारी क्लासेस खत्म, अभी चल रहे हैं फटाफट से घर, उससे पहले खाएंगे पनीर और उसके साथ रोटी। तो भाई निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से कॉलेज से बाहर, अभी पैदल पैदल भल्ला ले जा चुका है हमारी गाड़ी ऑलरेडी बाहर, तो बाहर जा रहे हैं। और एक काम करे, तू ही चलाएगी थोड़ी सी, मैं तो चलाऊंगी बट मैं पनीर लाई हूं, कब खाएगा? ओए होए आवाज सुन रहे हो, भयंकर की। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आ गया हूँ भाई मैं कॉलेज से घर, और अभी चढ़ चुका हूँ भाई मैं अपनी छत पे, तुम बादल देख सकते हो सामने, क्या ही मतलब ये देख रहे हो यार, क्या यार मतलब कुदरत का करिश्मा, कितने ही सही लग रहे हैं भाई बादल, ये देखो चारों तरफ क्या सेक्सी है भाई। बाकी आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक था भाई मोटर व्लॉगिंग सेटअप, तुम देख सकते हो सामने मैंने अपना मोटर व्लॉगिंग सेटअप रख रखा है। तो आज एक तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मोटर व्लॉगिंग सेटअप मतलब क्या क्या तुम्हें चाहिए होता है, बजट में प्रिपेयर हो जाता है या फिर नहीं, और कुछ टिप्स नए आने वाले मोटर व्लॉगर्स के लिए टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए एक हेलमेट, एक अच्छा हेलमेट जैसे मेरे पास है MT Revenge 2, ये तो खैर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट जो बाइक मैं राइड करता हूँ मैंने उस हिसाब से ले रखा है, कावासाकी Z900 के हिसाब से, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो मुझे इससे भी और अच्छा लेना चाहिए, वो भी मैं जल्दी लूँगा, बाकी इंडिया में जो अवेलेबल रहते हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट या कह सकते हो सबसे बेस्ट यही आता है MT Revenge 2। इससे ऊपर सेफ्टी रेटिंग में कोई भी नहीं है, महंगे आ जाते होंगे वो चीज़ अलग है, बट महंगा और सेफ होना वो अलग चीज़ है दोनों, ठीक है, तो उनको मिक्स मत करना। बाकी ये सबसे सेफेस्ट हेलमेट है जो इंडिया में अभी अवेलेबल है, 12-13,000 रुपीज़ में मिल जाता है, बाकी 2,000 रुपये का इसका वाइजर, बट ये अलग चीज़ है, वाइजर वाइजर सब छोड़ दो। एक तुम्हें बेसिक हेलमेट चाहिए तो जो मैं रिकमेंड करूंगा जिसमें आवाज़ वगैरह विंड ब्लास्ट उतना नहीं आता, सही आता है, दो हेलमेट से, एक तो भाई देखो MT की थंडर सीरीज़ देख लो, थंडर 2, ठीक है, थंडर 3, थंडर 4 थोड़ा महंगा है, पर थंडर 2 थंडर 3 तुम्हें 6,000 में मिल जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा और कम बजट चाहिए तो भाई एक बेस्ट हेलमेट आता है, वो मेरे पे भी था पहले, वो हेलमेट है भाई एक्सोर एपिक्स कलर, जिसमें बहुत सारे मिल जाते हैं, प्राइसिंग भाई 3,500 से 5,000 रुपये के बीच में, अलग अलग डिपेंड करता है कलर तुम कौन सा ले रहे हो, उस हिसाब से तुम्हें 3,500 से 5,000 के बीच में मिल जाते हैं। बाकी हेलमेट तो हो गया, अब अगली चीज़ आती है भाई मेन GoPro। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं भाई, तुम में से क्या, मैंने भी ये चीज़ स्टार्टिंग में करी पर ये बहुत बड़ी गलती है, स्टार्टिंग में क्या करा, फ़ोन यहाँ पे लगा के चले गए मोटर व्लॉगिंग शूट करने, ठीक है, और वीडियो ठीक ठाक आ जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं आती, ठीक ठाक आती है, पर उसमें कभी ज़िंदगी में तुम कोई सा भी माइक लगा लो, कितना भी अच्छा माइक लगा लो, वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो ये प्लान तो सबसे बकवास है,
ये थोड़ा सा भी मत करो, क्योंकि देखो अगर तुम YouTube पे जा रहे हो ना और स्टार्टिंग में तुमने थोड़ा बहुत कर दिया कि ठीक है यार अभी ऐसा है बाद में सही कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलता। अगर तुमने अभी फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत चला गया ना, तो वही वाली बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है। अगर अभी ही तुम्हारी क्वालिटी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, अगली बार तुम अब क्वालिटी सही भी कर चुके ना और तुम लोगों के सामने जाओगे दूसरी वीडियो डालोगे, वो देख के हटा देंगे कि नहीं यार ये तो बंदा फ़ोन से शूट करता है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच होनी चाहिए, ये एक टिप भी हो गई, ठीक है। बाकी अब GoPro आ गया, GoPro अभी फिलहाल मार्केट में जो चल रहे प्राइस, ये वाला 12 है, 12 अभी लेटेस्ट है और ये मेरे को पड़ा था करीब 45,000 का, 45-46 का, क्योंकि जब ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ था मैंने तभी ले लिया था। फिलहाल ये चल रहा है 42,000 रुपीज़ का, बट अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा कम है तो तुम GoPro 10 भी ले सकते हो, 9 मत लेना, 9 से ऊपर कोई सा भी ले लो, 10 तुम्हें मिल जाएगा अभी आराम से, 35-33 तक आराम से मिलेगा, तो 10 ले सकते हो, तो 35 का तो तुम ये मान लो, चलो 33 लेके चल लेते हैं, ठीक है। ये सब ऐड यहाँ पे करते रहेंगे हम लोग, स्क्रीन के साइड में आ जाएगा, 35 का तो ये आ गया, 33-35 ऐसे ही आ गया। अब उसके बाद आती है भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, माइक, कि तुम माइक कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। माइक भाई दो ही माइक तो मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, उन दो के अलावा कोई तीसरा माइक ढूंढ लो, कहीं पर भी ढूंढ लो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, इसके अलावा कोई माइक चलता ही नहीं है, ठीक है ढंग से। एक माइक है भाई कोडेक का और एक माइक है रोड का, रोड लेवलियर गो, और कोडेक का भी ऐसी है, तो मैं कहीं पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके कि भाई कौन सी लिंक कौन से माइक के लिए है। तुम पे माइक तो आ गया, माइक को इस GoPro में कनेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि GoPro में ये जो ये होता है ना ये चीज़, इसका कोई स्लॉट नहीं होता है। फिलहाल मैंने लगा रखा है इस पे ये मीडियम मोड, और जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास ये उलांजी का केस, प्लस उसमें नीचे जो तुम देख रहे हो ना ये इसमें माइक अडेप्टर है, ठीक है। बट ये बकवास है, सही बता रहा हूँ, इसमें भले ही आवाज़ वो सही आ जाती है, काम चल जाता है थोड़ा सस्ते में, जो इसका ये माइक अडेप्टर ये मिल जाता है करीब 4-4.5 हज़ार रुपये का, ये केस मिल जाता है 1200 रुपये का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मीडियम मोड लगाए ना, मीडियम मोड की जगह तुम इसको यहाँ पे लगा के काम चला सकते हो, बट इसने मेरा GoPro Hero 9 ख़राब करा है। कैसे भाई, तुम इसकी ये देख सकते हो, ये जो यहाँ पे ये लीड है ये जो अंदर जाती है ना थोड़ी सी ऐसे में रहती है। अब इसने क्या करा, इसने मेरा जो GoPro के यहाँ पे एक स्विचेज रहता है जिसके अंदर ये जाता है, उसने वो पोर्ट ख़राब कर दिया, और उस चक्कर से भाई मेरा GoPro ही ख़राब हो गया, उसमें आवाज़ आनी बंद हो गई थी, और ये सब चीज़ें यहाँ पे जल्दी से रिपेयर होती नहीं है, तो मैंने ज़्यादा झंझट नहीं करी, मैंने उसको रखा साइड और मैंने ले लिया ये, और इसके साथ ले लिया मीडियम मोड। अब एक गुड न्यूज़ और बताऊँ, ये है 4,500 का, ठीक है, जो इसका एक नीचे का है माइक अडेप्टर 4,500, और ये जो ये ऊपर का है 1200 रुपये, और ये जो मीडियम मोड है ना ये भाई जब मैंने लिया था उस टाइम मैंने लिया था 8,000 रुपये का, तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अभी आ रही है करीब 6,000 रुपये का अमेज़ॉन से, तो देरी मत करो, जिसको लेना है फटाफट से अभी ले लो, क्योंकि पता नहीं इतने ज़्यादा रेट ड्रॉप कैसे हो चुके हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगा तुम इसकी जगह मीडियम मोड की तरफ जाओ, ये ज़्यादा कूल दिखता है और इसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा अच्छी है, ये डायरेक्ट GoPro इसके अंदर चले जाता है, ठीक है। और इसमें तुम्हें तीन पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक पोर्ट में तुम्हें माइक की तार चल जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है ढंग से, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, अरे भाई क्या है ये, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है तुम लोगों को एक, और ऊपर एक और कोई पोर्ट है, इसका नाम नूम मैं भूल गया, बट जो तुम्हारे काम के अंदर वो एक ये है, एक ये है। चलो भाई ये आ गया 6,000 रुपये का, ये आ गया तुम्हारा 33-35,000 रुपीज़ का, एक आ गया तुम्हारा हेलमेट अच्छा सा वो जौन सा तुम्हें लेना है 4-5 हज़ार चाहे 10 हज़ार कितने का भी ले लो, एक तुम्हारा माइक आ गया। उसके बाद चाहिए तुम्हें ये माउंट्स, ठीक है, GoPro लोगे GoPro के साथ ये माउंट्स तुम्हें मिली जाएंगे। बाकी ये यहाँ पे तुम देखो, जैसे मैंने तो MC लगा रखी है, बट तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक माउंट आता है उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, वो माउंट भी तुम लगा सकते हो। मैं पर्सनली ये जो MC लाती है ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत है, भले हेलमेट थोड़ा सा गंदा हो जाता है आगे से, बट कोई बात नहीं भाई, बड़ा महंगा है मेरा, एक बार फ़ोन गिर चुका है सामने से, इसलिए मैं उसके बाद रिस्क नहीं लेता। तो भाई यही है कुछ मोटो व्लॉगिंग सेटअप। अब तुम्हें एक रिकमेंडेशन यही रहेगी, मत जाना किसी और कंपनी के एक्शन कैमरा पे, सिर्फ GoPro 10 के ऊपर अभी कोई सा भी ले लो, बेस्ट है। बाकी माइक देखो, माइक मैंने तुम्हें दो बता दिए, एक है कोडेक का, एक है रोड का, और ये चीज़ें भाई तुम्हें पूरे YouTube पे देख लेना, कोई कहीं नहीं बताएगा, ये तुम्हारा भाई बस तुम्हें बता रहा है, और ये बहुत बड़ा इसे बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ कि तुम इसके बाद एक प्रोफेशनल मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बजट में कोई सेटअप ढूंढना है, 10-12 हज़ार का कैमरा मिल जाए तो सेकेंड हैंड ले सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी वैसे कंपनी के GoPro पे जाते हो, मतलब एक्शन कैमरा पे जाते हो, तो तुम्हारा वहीं से डूब गए तुम, समझ रहे हो। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखो और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। तो भाई आ चुका हूँ मैं नीचे ऊपर से भी, अब आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके, बाकी मुद्दे की बात नहीं है, ये नहीं है मुद्दे की बात, ये है कि आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं भाई कि क्या यूट्यूब से हम लाखों रुपये कमा सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ भाई, लाखों क्या, लाखों से बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर आपके पास स्किल है, आप अपनी स्किल दिखा के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। बाकी भाई देखो,
मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा जितने भी नए मोटो व्लॉगर्स हैं उनके लिए कि भाई देखो आजकल बहुत तुम बहुत सारे यूट्यूबर दिखेंगे कि क्वालिटी कंटेंट ये वो वगैरह वगैरह, और लेकिन उनके लिए उनका क्वालिटी कंटेंट पता है क्या, विलीज मारना नॉर्मली और तुम्हारा सिनेमैटिक्स डाल देना वीडियो में ठूस ठूस के, और एंटरटेनमेंट उनकी वीडियो में होता नहीं है, तो इसीलिए भाई उनकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं और वो अपने आप को फिर क्वालिटी कंटेंट ब्लॉगर बताए फिरते हैं। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई जो प्रमोशन करते हैं किसी माइक की किसी चीज़ की किसी चीज़ की, और भाई इससे बताओ जब मैंने ढूंढ रहा था ना अपने वाला सेटअप मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की मुझे क्या क्या यूज़ करना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा किसी ने भी सही सेटअप नहीं बता रखा था, उनसे जब पर्सनल डीएम पे पूछो कि भाई ये सेटअप कैसा है तो भाई बोलते थे ऐसी है तो हमने प्रमोशन में कर दिया था भाई मत लेना। मतलब सीरियसली यार ये चीज़ बहुत बेकार लगती थी मुझे उस टाइम, तब जाके ये सब चीज़ें मैंने खुद से ढूंढी खुद से एक्सप्लोर करी, और भाई आज तुम लोगों को बता रहा हूँ कोई चीज़ ये बताता नहीं है, तो इसी बात पर वीडियो कर दो एक लाइक। बाकी यहाँ पर मैंने मंगा रखी है अभी मम्मी के लिए गार्लिक ब्रेड, मम्मी के लिए और यशिता के लिए, और अपने लिए मंगा रखी भाई गार्लिक ब्रेड, तो फटाफट से गार्लिक ब्रेड खाएंगे भाई, मजे करेंगे आज। और आज भाई जिम में लेग्स भी करनी है और साथ में चेस्ट भी करनी है। बाकी आई होप आप लोगों को मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा समझ में आ गया होगा, इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि भाई इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं सब कुछ। बाकी जो जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो सब मैंने आपको बता दी, ये बेस्ट है। और बजट अगर आप ढूंढोगे बजट फ्रेंडली कुछ नहीं मिलता, ये जो सेटअप है ये बेस्ट है, तो गो फॉर इट। बाकी आप वेट करते हैं अपनी गार्लिक ब्रेड का जो कि बस कुछ ही देर में आने वाली है। तो ये आ चुकी है यहाँ पे अपनी गार्लिक ब्रेड, लो मम्मी नहीं दूंगा ये एक मेरी निकाल दो इसमें लगी, आहा हा हा आज तो मैं पूरी खाऊंगा भाई अकेले अकेले, मस्त गार्लिक ब्रेड। चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो है इसमें? नो। यार ये इसके साथ देते क्यों नहीं चिली फ्लेक्स, ओए होए 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 भाई साहब, आहा हा 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 गार्लिक ब्रेड, ये है पनीर स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड भाई, इसमें ऑलरेडी डाला, ये लो भाई देखो ये नम नम नम, मजा आ गया। चलो भाई इसको खाते हैं और फिर जिम जाके इसको निकालेंगे भी ये मतलब निकलेगा बाथरूम में, पर जिम में समझ रहा हूँ ना कैलोरीज बर्न होंगी लेट समझ आया मम्मी को। पहली बार बनाई है मेथी मलाई मटर, दिखने में तो भाई बढ़िया लग रहा है, बाकी भी खा के देखते हैं कैसा है। इसमें लगाए मस्त एकदम देसी घी, आहा आज मेरा इरादा नहीं था खाना खाने का क्योंकि मैंने शाम को गार्लिक ब्रेड खा ली थी, बट यार मम्मी ने जो नई चीज बनाई है यार इसको टेस्ट करना तो बनता है। बस मम्मी रोटी बनी, चलो भाई जो भी है मजेदार है, बुड्ढी को भी दो मम्मी, हमारी बुड्ढी को भी दे दो बुड्ढी जी पहले जवान को दिए ना मम्मी भी बोल दिया मम्मी बोल नहीं रही तेरी बात बता रही बोल के अब बुड्ढी को बुड्ढी नहीं बोलना चाहिए, जवान है ना इसलिए तेरे को बोल रही, तेरे पहले जवान को दे दिया ओ भाई खाना खाते हैं और चलते हैं ऊपर। तो वो बॉयज इनका आ चुका है ऊपर रूम में, और यहाँ पे टाइसन भी आ चुका है हमारे साथ भाई ऊपर, ये भी देखते हैं अभी यहाँ सोएगा कहाँ सोएगा। बाकी भाई देखो मेरी तुम सबसे यही रिकमेंडेशन है कि जो भी ऐसे मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी ध्यान मत लगाना, अगर तुम पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम इसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ोगे जॉब छोड़ोगे तो भाई वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहेगा, जब तक कि तुम्हारा यूट्यूब बहुत ज़्यादा ग्रो ना कर जाए तब की बात अलग है, पर फिलहाल सिर्फ पढ़ाई पर जो ध्यान देना अपना अगर तुम छोटे हो तो। बाकी भाई इसी के साथ एंड करते हैं हम आज की वीडियो यहीं पर, बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी और कैसा लगा आपको मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, आपके काम आया या नहीं मुझे बताना। बाकी मिलते हैं हम लोग एक और नए दिन में, दिन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।